हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया फोर्स अकेडमी में। दोस्तों सॉरी, आज फिजिक्स की क्लास क्लियर नहीं आ रहा था बोर्ड पर, सो रोकनी पड़ी है ना। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको करवाए जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मतलब 20 फरवरी से पहले आपका सिलेबस ऐसे हो जाएगा खटाखट, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा वादा है यार। अभी मैं सोच ये रहा हूँ काम कम करें और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मतलब कल से हम पहली वीडियो में अपलोड कर दूंगा, सेकंड वीडियो से फिर हम लाइव करते हैं, ठीक है? आज हम जीएस के पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो आज मैं जो चीज़ पढ़ाऊंगा ना, उसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है? हाँ, अब देखना वो मैं क्या चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। नोबल प्राइज़ सबसे पहला होता है। नोबल प्राइज़, नोबल प्राइज़ की बात करें तो ये इन्वेंटेड किसने किया था, आई मीन कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूट किसने किया था इसको, यानी वो किसके नाम पर ये दिया जाता है। तो ये दिया जाता है एल्फर बर्नार्ड नोबल के नाम पर। एल्फर बर्नार्ड नोबल के नाम पर ये दिया जाता है, जो कि 1901 से शुरू हुआ था। और एल्फर्ड बर्नार्ड नोबल हैं, उन्होंने एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल जिसे कहते हैं, उन्हें डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, यानी डायनामाइट की खोज की थी। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पूछा क्या जाता है देखो मैं बताऊंगा बाद में। ये जो पहले 1969 में 1901 से शुरुआत हुआ था, लेकिन 1901 के बाद ये हर फील्ड में दिया गया था, बट इकोनॉमिक्स में इसकी शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1969 से, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और ठीक है इसको घोट के पी जाओ। एक क्वेश्चन आने के 90% चांस हैं। सबसे पहले तो यही बहुत बार पूछता है कि सबसे पहला नोबेल प्राइज़ किसे मिला था, तो वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में, यानी किसमें, साहित्य में, 1913 में, ठीक है? फिर मिला था डॉक्टर सीवी रमन को फिजिक्स में 1930 में। अब ये पूछते हैं कि पहला वैज्ञानिक कौन सा था जिसे नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो थे अपने सीवी रमन, जिनको फिजिक्स में मिला था। यही पूछ लेते हैं कि किस में मिला था, तो फिजिक्स में मिला था, ठीक है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दवाइयों यानी मेडिसिन में मिला था 1968 में, ठीक है? मदर टेरेसा शांति के मामले में मिला था इन्हें 1979 में। डॉक्टर एस चंद्रशेखर को फिजिक्स में मिला था 1983 में, और डॉक्टर अमर्त्या सेन को इकोनॉमिक्स में मिला था 1999 में, ठीक है? वी एस नेपाल को मिला था 2001 में, और वेंकटरमन रामकृष्ण को मिला था किसमें, केमिस्ट्री में 2009 में। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे कि लिटरेचर में तो दोनों को मिला हुआ है, किस किस को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को और वी एस नेपाल जी को। और फिजिक्स में भी दो जनों को मिला हुआ है, किनको, एक तो अपने डॉक्टर सीवी रमन को, एक डॉक्टर चंद्रशेखर को। इनको मिला था 13 में, इनको मिला था 83 में, ठीक है? ये टेबल याद कर लेना, एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है? बहुत बार पूछा जाता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड 1929 से शुरुआत की गई थी, और ये पहला इंडियन कौन था जिसने ऑस्कर अवार्ड लिया था, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। और ये कौन था जो पहला इंडियन, वो पहला इंडियन था बानू अथैया। बानू अथैया ने पहला ऑस्कर अवार्ड लिया था, जिसका मिला था गांधी नाम की एक मूवी आई थी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यजीत रॉय वाज अवार्डेड ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा इन 1992। 1992 में जो सत्यजीत रॉय है उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा के लिए ऑस्कर दिया गया था। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम किसने दिया गया था, पहले भारतीय कौन थे जिसको ऑस्कर दिया गया था, तो वो थे बानू अथैया, ठीक है? अब बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड जिसे कहते हैं, वो है भारत रत्न, और इसकी शुरुआत की गई थी 1954 में, ठीक है? फर्स्ट रिसिप्ट जिसे पहली बार मिला था वो कौन कौन से थे, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें जो ऑप्शन आता है वो आता है सी राजगोपालाचारी, ठीक है? यानी पहला भारत रत्न किसे मिला था, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सी वी रमन, ठीक है? सी वी रमन ऐसे थे, ऐसे भारतीय थे जिनको पहली बार नोबेल प्राइज मिला था किसमें, फिजिक्स में, ठीक है? वैसे तो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। पद्म विभूषण है वो है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी दूसरा सबसे बड़ा इंडिया का अवार्ड जिसे हम कहते हैं पद्म विभूषण, ठीक है? नेक्स्ट है साहित्य अर्जुन अवार्ड। देखो साहित्य लगा हुआ, इसका मतलब ये कोई लिटरेचर में, आई मीन कोई राइटिंग में दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1955 में, ठीक है? और एक्सक्लूसिव राइटिंग इन 22 लैंग्वेजेज इंग्लिश इन लास्ट 5 ईयर, जो 22 लैंग्वेज हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश, उनमें अगर कोई अच्छा लिखता है, अच्छी कहानी, अच्छी पोइम वगैरह जो भी लिखता है, तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। साहित्य अर्जुन अवार्ड शुरुआत हुई थी 1955 में। अर्जुन अवार्ड
दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड है वो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये स्पेशल अचीवमेंट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा ये दिया जाता है। जो एक अचीवमेंट एक प्लेयर हो एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करता है, ठीक है, और ये एक स्पोर्ट्स प्लेयर को दिया जाता है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड है वो 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज इसकी अर्जुन अवार्ड की 1961 में शुरुआत हुई थी। तो द्रोणाचार्य दिया जाता है कोचिज को, ठीक है, जो प्लेयर के कोचिज होते हैं, अच्छे कोच होते हैं, उनको एक द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। और जो हमने अर्जुन अवार्ड था वो प्लेयर्स को दिया जाता है। अब बात आती है राजीव गांधी खेल रत्न की। जो राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है वो दिया शुरुआत हुई थी उसकी 1962 में, ठीक है, 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये एक अच्छे प्लेयर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कमेंडेबल डिस्प्ले बाय द प्लेयर्स, यानी कोई एक अच्छी सिचुएशन यानी एक अच्छी कमांड प्राप्त कर लेता है बहुत ही कम सिचुएशन में, आई मीन 72 सिचुएशन में, तो उसे ये अवार्ड दिया जाता है, गांधी, राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्या, जो अपने गैलेंट्री अवार्ड हैं जैसे कि परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, इनके बारे में, इनसे एक क्वेश्चन पक्का आना है। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो आनी है ट्रॉफी की, मान लो कि बात ये नाम दे दिया कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो हम वो क्वेश्चन जल्द ही करेंगे। तो बने रहे हैं हमारे चैनल पर, इंडिया फोर्स एकेडमी पर दोस्तों, शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड लव यू ऑल। हम प्लीज़ दोस्तों जल्दी, कल ही हम फिज़िक्स की क्लास करेंगे, मैं आपका टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं होने दूंगा, कल दो फिज़िक्स की शानदार क्लास लाएंगे दोस्तों, प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा।